प्रभु श्री राम मंदिर के अंदर जो पत्थर इस्तेमाल किए जा रहे थे उन्हीं पत्थरों से इस एयरपोर्ट की सुंदरता को निखारा गया है दोस्तों। तो भैया हम तो गर्व से कहते हैं कि हम अयोध्या वासी हैं, क्योंकि हमने अपनी आंखों से भव्य एयरपोर्ट और भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होते देखा है। ये मेन पॉइंट आप लोग देख सकते हैं भाई साहब, किस तरीके से प्रभु श्री राम मंदिर का आकार इस एयरपोर्ट को दिया गया है। दोस्तों जय श्री राम, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों फाइनली हम इस समय मौजूद हैं महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। जी हाँ दोस्तों, अभी जल्द ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका भव्य उद्घाटन हुआ और उसी के साथ इसका जो नाम था वो यहाँ पर चेंज हुआ है। पहले श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रख दिया गया है। तो उसकी भव्यता और सुंदरता दिखाने के लिए हम प्रेजेंट टाइम मौजूद हैं इस एयरपोर्ट पर। किस तरीके से वो इस समय निखर कर आ रहा है वो आप लोग हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, और फुल ब्लॉग देंगे आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो अभी प्रेजेंट टाइम आप लोग ये गेट देख सकते हैं कितने भव्यता और सुंदरता से बनाया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी कुछ एरिया बनाया जा रहा है, काफ़ी भव्य सौंदर्य का एक प्रतीक बनने वाला है। उसी के साथ हम चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर, जो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट है वहाँ आपको लेके चलते हैं, वहाँ की खूबसूरती और सुंदरता दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है। दोस्तों ये मॉडल देख सकते हैं आप लोग, ये भगवान श्री राम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भाई साहब। इस एयरपोर्ट की सुंदरता को देखने के लिए भाई साहब हम कई दिनों से ट्राई कर रहे थे, फाइनली वो मौका हमें मिल ही गया है। और आज हम आपको पूरा का पूरा ब्लॉग देंगे कि हमारे जो अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल हवाई अड्डे की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अभी जल्द में ही किया गया, उसका किस तरीके से भव्यता और सुंदरता हमको देखने को मिलता है। प्रेजेंट टाइम यहाँ पर पार्किंग एरिया बनाया गया है कि यहाँ पर आप लोग बाइक वगैरह कार वगैरह पार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये हवाई अड्डा है तो यहाँ पर भाई साहब उतना स्पेस नहीं दिया गया। और अब हम लेके चलते हैं आपको, जो ये मेन पॉइंट आप लोग देख सकते हैं भाई साहब, किस तरीके से प्रभु श्री राम मंदिर का आकार इस एयरपोर्ट को दिया गया है। जैसा कि महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के नाम से इसको जाना गया है, उसी के हिसाब से यहाँ पर प्रभु श्री राम मंदिर के अंदर जो पत्थर इस्तेमाल किए जा रहे थे उन्हीं पत्थरों से इस एयरपोर्ट की सुंदरता को निखारा गया है दोस्तों। तो उस एयरपोर्ट के अंदर हम आप सबको आज भ्रमण कराने के लिए, उसका दृश्य उसका सौंदर्यता दिखाने के लिए हम प्रेजेंट टाइम आ चुके हैं महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम प्रेजेंट टाइम मौजूद हैं अयोध्या महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर। जो आप लोग देखना चाहते थे कि किस तरीके से अयोध्या का जो हवाई अड्डा है वो बनकर तैयार हुआ है, उसकी सौंदर्यता और सुंदरता दिखाने के लिए हम यहाँ से आपको एकदम करीब एयरपोर्ट हवाई अड्डा देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट टाइम मौजूद हैं, और पूरा एक से एक बारीकी चीज़ दिखाएंगे, अंदर भी लेके चलेंगे कि किस किस चीज़ का निर्माण हुआ है और क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं और किन चीज़ों का डेवलपमेंट होना बाकी है। तो उन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप सबको दिखाएंगे, ऐसे ही बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार हमको दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली ये एरिया आप लोग देख सकते हैं आगमन के लिए यहाँ पर अराइवल के लिए बनाया गया है, और D1 D2 है, दो एंट्री गेट वहाँ पर भी बनाए गए हैं, तीसरा गेट यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। भाई साहब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है काफ़ी तेज़ी से, तो आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आएगी। और यहाँ पर कितनी तेज़ी से काम हो रहा है, जगह जगह पर यहाँ पर लाइट वगैरह लगाए जा रहे हैं ताकि नाइट के समय आप लोगों ने रेलवे स्टेशन की भव्यता और सुंदरता तो देखी होगी, उसी तरीके से ये भव्य महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है अयोध्या में चमकने वाला है। पूरी दुनिया में एक नया इतिहास बनकर तैयार हो जाएगा जब ये पूरा फाइनली तैयार होगा। अभी जल्दी में आप लोग ये फूल वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पर उद्घाटन था, भव्य उद्घाटन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करके गए थे, और जो नया नाम मिला है इस एयरपोर्ट का महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका भी उन्होंने प्रस्थान किया। उसी के साथ साथ यहाँ पर कितनी तेज़ी से कार्य चल रहा है वो दिखाने के लिए हम प्रेजेंट टाइम मौजूद हैं यहाँ पर, और आपको पूरा बारीकी किस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह और इसके स्तंभ किस तरीके से खड़े किए गए हैं, पिलर्स वगैरह, वो चीज़ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर करीबी से। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पूरा डिज़ाइन जो मॉडल है काफ़ी सुंदर ग्राफिक्स बनकर तैयार हुआ है, वो पूरा का पूरा आप एरिया और सावधानी और सिक्योरिटी वो सारी चीज़ें एक से एक बारीकी चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पर लाइटें वगैरह भी लगाई जा रही हैं, तो
ये सारी भव्यता और सुंदरता से ये पूरा का पूरा भव्य एयरपोर्ट बनकर तैयार हो रहा है, वो आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रनवे पर जाने के लिए, भाई साहब ये तो पूरा हो गया, जो एंट्री का गेट है भव्यता से, जहाँ पर टिकट वगैरह आपको मिलेंगे वो हो गया, वो पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है। और उसी के साथ साथ अगर आपको रनवे जाना है तो रनवे पर गेट नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से रनवे पर हम लोग इंटर करेंगे। और यहाँ पर गेट नंबर जो दूसरा है वो इस साइड आपको किनारे की साइड में देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा ग्राफिक्स मॉडल बन के तैयार हुआ है। और यहाँ से देख सकते हैं सनसेट का टाइम है, काफ़ी सुहाना इस समय मौसम भी चल रहा है ठंडी का, और सनसेट काफ़ी अच्छी खूबसूरती से हमको दिख रही है यहाँ से। और यहाँ पर पार्किंग वगैरह देख लीजिए भाई साहब, पार्किंग वगैरह और निकासी एग्जिट का भी यहाँ पर रास्ता देगा। ये इस रास्ते से हम लोग यहाँ से जाएंगे बाहर, वहाँ पर हमारी गाड़ियाँ वगैरह जो हैं वहाँ पर खड़ी हो जाएंगी, वहाँ पर हमको पार्किंग व्यवस्था दी गई है। और यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा सा ग्राफिक्स फुल नज़ारा आ रहा होगा अयोध्या महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हवाई अड्डे का। और यहाँ पर बीच में ये एरिया जो है खाली दिया गया है मैदान, यहाँ पर भी कुछ बनाया जाएगा पार्किंग एरिया, यहाँ पर बैठने के लिए जो अच्छी व्यवस्था दी जाती है जो हर एक एयरपोर्ट पर होता है, वो सारी व्यवस्था से यहाँ पर इस एरिया को भी छोड़ा गया है भाई साहब। यहाँ से आप लोगों को वो काफ़ी अच्छा नज़ारा हमको तो दिख रहा है भाई साहब। हम लोग देखिए, हम लोग कई बार आए हैं क्योंकि जब अपनी आंखों से बनता हमने इस एयरपोर्ट को देखा है तो काफ़ी ज़्यादा भव्य और गर्वशील महसूस होता है हम लोगों को कि हम अयोध्यावासी हैं। और आप लोग भी आइए हमारी अयोध्या में, घूमिए टहलिए और इन्जॉय करिए हमारे अयोध्या के हर एक टूरिस्ट प्लेस को, हमारे अयोध्या के भव्यता और सुंदरता को। तो भैया हम तो गर्व से कहते हैं कि हम अयोध्यावासी हैं क्योंकि हमने अपनी आंखों से भव्य एयरपोर्ट और भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होते देखा है। उसी के साथ साथ अयोध्या का पूरा स्वरूप बदलते हुए हमने देखा है, तो काफ़ी ज़्यादा गर्वशील महसूस होता है हम लोगों को कि इन सारे भव्यता और सुंदरता को हमने अपनी आंखों से देखा है। तो हमारी आने वाली पीढ़ी को हम गर्व से ये भी बता सकते हैं कि ये हमारी आंखों के सामने बना। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब हम अयोध्या के अपने एक्सप्लोर करने के लिए, आप सबको दिखाने के लिए अयोध्या के किसी भी चीज़ को आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और जैसा कि ये भव्य गेट आपको सामने अच्छे से देखने को मिल रहा होगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर यहाँ से देख सकते हैं एयरपोर्ट और ये है पार्किंग एरिया। तो दोस्तों जैसा कि आज हमने आप सबको दिखाया जो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो किस तरीके से भव्य बनकर तैयार हुआ है और कहां तक उसका जो डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन का काम था वो बाकी था, तो ऐसे ही बने रहिएगा हमारे वीडियो में। आप सबके लिए हमेशा ऐसे अच्छे से अच्छे ब्लॉग्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। जय श्री राम।